हाय दोस्तों, आज हम एक बहुत ही पावरफुल बुक 15 सीक्रेट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट द टाइम मैनेजमेंट बाय केविन क्रूज उसको डिस्कस करेंगे। तो ये लोग केवल उस टाइम पे जिस टाइम में वो होते हैं उस पे बहुत ज़बरदस्त फोकस रखते हैं। गरीब आदमी जो एक घंटे में 100 रुपये कमाता है और अमीर आदमी जो उसी टाइम में 1,00,000 रुपये कमाता है, तो आप उसके समय का मूल्य समझ जाएंगे। तो इनकी वो ट्रिक क्या है कि वो इस समय को इतना मूल्यवान बना देते हैं, क्या प्लान होता है, क्या एक्शन होता है। तो पहली बात है कि वो डेली प्रायोरिटी सेट करते हैं, वो अपने आज से अपने बीते हुए कल और आने वाले कल को बनाते हैं। वो 80-20 के नियम या पैरेटो प्रिंसिपल से या चेकलिस्ट बना के सिर्फ सबसे इम्पॉर्टेंट काम पे फोकस करते हैं, बाकी सारे कामों की तरफ से मुंह फेर लेते हैं। वो सिर्फ वैल्यू देने वाले कामों की तरफ ध्यान देते हैं। दूसरी बात, वो टू डू लिस्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते कि इस एक घंटे में हम ये काम करेंगे, उस एक घंटे में हम ये काम करेंगे। ज़्यादातर सफल लोग, 41% लोग ऐसा कुछ नहीं करते, वो चेक लिस्ट पे काम करते हैं। उनके पास एक लिस्ट होती है कि कौन से काम हैं जो उनके सबसे प्रोडक्टिव और सबसे मूल्यवान काम हैं, बस दिन भर वो उसी काम पे फोकस करते हैं, उसी काम को करते हैं। ये लोग बिल्कुल भी आलसी नहीं होते, काम को कल पर नहीं टालते, काम को तुरंत करके ख़त्म कर देते हैं, और ऐसा करने से उन्हें खुशी और जरा भी स्ट्रेस नहीं होती है। ये अपने गोल को अपने दोस्त या खास लोगों को शेयर करके उन्हें बताते हैं, और वो सिर्फ उन्हीं कामों को करते हैं जो उन्हें ज़रूरी लगते हैं। और इनकी एक और ख़ास बात होती है कि वो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जैसे वो जो बनना चाहते हैं वो पहले से बन चुके हैं। इसके अलावा अगर वो कोई काम पूरा नहीं करते तो वो उस पर टेंशन नहीं लेते हैं, स्वीकार करते हैं और सुधार करते हैं ताकि अगली बार वो उसको बेहतर तरीके से कर पाए। वो अपने समय की लिमिटेशन को जानते हैं, इसीलिए उन्हें पता है कि उनके पास भी उतना ही समय है जितना आपके पास है। तो वो सिर्फ टॉप प्रायोरिटी के काम करते हैं। अपने साथ वो एक नोटबुक कैरी करते हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को वो लिख के रखते हैं, और पूरे दिन उनका फोकस उसी सबसे इम्पॉर्टेंट काम को करने पर रहता है। वो जानते हैं कि कहाँ कहाँ उनका टाइम वेस्ट हो सकता है, जैसे सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग करते हुए घंटों ख़त्म होते हैं, तो उनका टाइम निर्धारण होता है कि मैं दिन में सिर्फ इतनी बार, 2 या 3 बार ईमेल चेक करूँगा, कोई ज़रूरी चीज़ मिस तो नहीं हो जाए। बार बार वो उसको खोल के चेक नहीं करते हैं, बार बार फेसबुक फीड नहीं देखते हैं, बार बार ट्विटर पे नहीं जाते हैं। वो मीटिंग्स, लोगों से मिलने को अवॉइड करते हैं जब तक कि उस मीटिंग में आपको कोई चेक ना मिलने वाला हो। वो अननेसेसरी मीटिंग से बचते हैं, वो ज़्यादातर चीज़ों के लिए मना करते हैं क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें उन्हें उनके गोल से अलग ले जाने वाली होती हैं। तो इसलिए वो सिर्फ उन चीज़ों को हाँ करते हैं जो उनके गोल के अलाइनमेंट में होती हैं। ये 80-20 के नियम को अपने जीवन में पूरी तरीके से उतार के रखते हैं, उसी को फॉलो करते हैं पारेटो प्रिंसिपल के साथ साथ। ज़्यादातर नॉन प्रोडक्टिव काम जिनसे कोई रिजल्ट नहीं आना होता वो किसी और को सौंप देते हैं। वो आप देखेंगे कि जो भी लोग टॉप पोजीशन पे होते हैं किसी भी कंपनी के, वो सिर्फ ऑर्डर देते हैं, वो काम करते नहीं हैं, वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। और वो अपने टीम को जो काम देते हैं उसके टारगेट्स देते हैं और वीकली उन टारगेट को मॉनिटर करते हैं। वो जितना काम कर सकते हैं उतना काम आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो ज़्यादातर काम डेलीगेट करते हैं और सिर्फ एक ही काम करते हैं। तो जितना आप कर सकते हो सिर्फ उतनी जिम्मेदारी लो और अपने काम के वीकली टारगेट बना के रखो। जहाँ भी आप काम करो उस जगह को ऑर्गेनाइज करके रखो। और ऐसे लोगों का जो मॉर्निंग रिचुअल होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ज़्यादातर बड़े लोग मेंटली एंड फिजिकली फिट रखने के लिए एक फिक्स मॉर्निंग रूटीन बनाते हैं, बुक पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और हेल्दी खाते हैं, तो उनकी मॉर्निंग उनके पूरे दिन को शानदार बनाते हैं। कहते हैं ना कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। वो ज़्यादातर समय सोचने में नहीं लगाते, वो फोकस करके रखते हैं। उन्हें पता है कि कड़ी मेहनत से सफलता नहीं मिलती है, फोकस से मिलती है। तो इसलिए उनका फोकस 80-20 के नियम के हिसाब से और चेकलिस्ट के हिसाब से रहता है। वो जैम सेशंस या पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करते हैं, और एक काम को जब करने बैठते हैं तो सारे व्यवधान, सारे मोबाइल फ़ोन बंद करके उस 1 घंटा या 45 मिनट सिर्फ उसी काम पे फोकस करते हैं। तो जो हमने ढेर सारी बातें बताई हैं उनको मैं फाइनली समराइज करता हूँ कि सफल लोग क्या करते हैं। वो अपने मिनट को कीमती बनाने पर काम करते हैं, उनकी गोल के लिए कुछ प्रायोरिटी होती हैं, वो टाइम टेबल नहीं यूज़ करते, वो इम्पॉर्टेंट
कामों की लिस्ट बनाकर उन इम्पॉर्टेंट काम को दिन भर करते हैं, जरा भी नहीं टालते, तुरंत ख़त्म करके आगे बढ़ जाते हैं। वो जो बहुत ज़रूरी काम है उसी पे ही पूरा ध्यान रखते हैं, और याद रखने के लिए वो काम कौन सा है एक नोटबुक को साथ में लेके चलते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया का यूज़ बहुत कम करते हैं, सिर्फ ज़रूरी काम के लिए। मीटिंग से बचते हैं, ऐसी मीटिंग जहाँ चेक मिले उसे अटेंड करते हैं, और गोल के अलावा ज़्यादातर कामों के लिए वो हमेशा ना बोलेंगे कि हमें वो काम नहीं करना। वो इम्पॉर्टेंट काम को 80-20 के नियम से तोलते हैं, और जो काम रिजल्ट देने वाले लगते हैं उन्हीं को करते हैं। गैर जरूरी काम वो दूसरे लोगों को देते हैं, और वो टीम वर्क में विश्वास रखते हैं, उस टीम से वो अपने लिए काम कराते हैं, छोटे छोटे टारगेट बना के काम करते हैं। उनकी एक स्ट्रांग मॉर्निंग रिचुअल होती है जो बहुत मैजिकल है, जिसमें वो मैक्सिमम टारगेट को पूरा करते हैं। और ये लोग समय पर फोकस और गोल को पूरा करके ज़्यादा फोकस से काम करते हैं। तो हमने इस फटाफट समरी में ये बात सीखी कि 15 सीक्रेट्स क्या होते हैं जो सक्सेसफुल पीपल करते हैं, बाय केविन क्रूज। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड ऑफ बुक।